हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और इस समय बज रहे हैं सुबह के 8 और ऐसा कोई प्लान नहीं था कहीं जाने का। वी वर स्लीपिंग आरव एंड मी, एवरीबॉडी अचानक से ये उठे एंड इन्होंने कहा चलो ब्रेकफास्ट करके आते हैं। तो वी थॉट चलो चलो खाने में क्या है, चलो खा ही लेते हैं। एंड बूफेज की जब बात आती है तो हम सभी को बूफेज काफी ज्यादा पसंद आते हैं। आपको भी ले चलते हैं अपने साथ ब्रेकफास्ट के लिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको एक बहुत ही स्पेशल चीज दिखाने वाले हैं हम लास्ट में। आरव से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आरव इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड सुबह सुबह उठ के घूमनी। क्यों बाबू घूमनी? हाय कर दो। हाय। You're looking very smart. So we are here for the buffet. आज देखते हैं बुफे में क्या क्या है। Excited? Excited! सबसे ज्यादा तो आरव ही एक्साइटेड है, जैसे पता नहीं कितना खाने वाला है। So breakfast की starting हो चुकी है तो watermelon juice से हम start कर रहे हैं। साथ में है कुछ पोहा और कॉफी भी है। अब देखते हैं कितना खाते हैं हम लोग और क्या क्या खाते हैं। यहाँ सेकेंड राउंड चल रहा है। क्या है आज सेकेंड राउंड में? क्या है? सब्जी, पूड़ी, सब्जी, पनीर पराठा, जूसेस, कॉफी। अभी और चलेगा क्या? आरव ने भी अपना मिल्क ले लिया है, सैंडविच खा ली है। यमी था? यमी 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 यमी। ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया है और काफी ज्यादा फुल हो गया है। बहुत ही ज्यादा हो गया है। सब कुछ बहुत डिलिशियस था और बहुत मजा आई। आरव भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है, जाने को बिल्कुल भी रेडी नहीं है। वेरी नाइस प्लेस, बहुत अच्छी जगह थी। और बट अब घर जाना पड़ेगा क्योंकि ओवर हीटिंग हो गई है, तो अब मन कर रहा है बस बेड मिल जाए और सो जाए। घर चल के आपको एक नई चीज भी दिखानी है, तो चलिए आइए। रेडी है आप? वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आरव की ऐसी ही एक्टिविटीज हम आपको दिखाते रहेंगे, इसके लिए चैनल की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। और खाने से याद आया कि आपने समीक्षा की रसोई पे अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है, और नहीं किया है तो गाइस क्यों नहीं किया, आप काफी कुछ मिस कर रहे हैं। प्लीज जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और वहां जाके समीक्षा की रसोई को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। हम बहुत अमेजिंग रेसिपीज आपके लिए लाते रहते हैं। सो गाइस, ब्रेकफास्ट करके आने के बाद हमने एक आध घंटे रेस्ट किया था और उसके बाद अभी हम बाहर जा रहे थे कुछ काम से। दिवाली आ रही है तो आपको भी पता होगा काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग, इधर उधर काफ़ी काम होते हैं। दिवाली पे हम क्या शॉपिंग करते हैं, क्या क्या करते हैं, इसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा और हम आपको ज़रूर दिखाएंगे दिवाली की प्रेपरेशंस कैसे करनी है। बट उसके पहले एक नए मेहमान से हम आपको मिलाना चाहते हैं। ऑल्दो हम चाहते नहीं थे कि उसको घर पे आना पड़े, बट फिर भी मजबूरी हो गई और उसको ले आना ही पड़ा और हमेशा के लिए अब वो यहीं रहने वाला है। तो आइए आपको उससे मिलाते हैं। आई होप आपको थोड़ा अच्छा लगेगा उससे मिलके। हमें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड हो गया जब से ये नया मेहमान हमारे घर में आ गया है। सो गाइज, मिलिए हमारे नए मेहमान से। ये है हमारा नया डिश वॉशर। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इधर बीच मेड्स को लेकर के, तो इस वजह से और इतना हेक्टिक स्केड्यूल है कि वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी। बट आई एम वेरी हैप्पी, अभी एक ही दिन हुआ है यूज़ करते हुए, बट आई एम वेरी सैटिस्फाइड एंड वेरी हैप्पी। अगर आप चाहते हो कि डिशवॉशर के ऊपर हम अलग से आपको बताएं कि इसमें क्या है, कैसे है, कितने का पड़ा हमको, तो ये सारी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। मैं बता दूँ, इतने हाइजीन के साथ आपके बर्तन ये वॉश कर देगा कि आप एकदम चकित रह जाएंगे और उसके बाद तो आपको खुद का वॉश किया हुआ बर्तन भी बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अच्छे से गर्म पानी से सारी चीज़ें वॉश होती हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। तो आपको हम मिलाना चाहते थे इससे। हमने काफ़ी कोशिश की कि मैनेज हो जाए बिना डिश वॉशर के, लेकिन वो हो नहीं पाया था। अभी अभी मैंने इसमें बर्तन वॉश किए हुए हैं, तो इसको ओपन करके देखते हैं।
काफी स्टीम निकल रही है इस समय, सब कुछ एकदम गर्म है क्योंकि बस अभी तुरंत ही वॉश हुआ है। इसमें अलग अलग ऐसे लेयर्स होती हैं, हम अलग किसी वीडियो में आपसे उसके बारे में बात करेंगे।